एक बार फिर राहुल गांधी ने जो है देश के दर्द को सुना दिया, ये बता दिया कि भाजपा पार्टी आखिर कर क्या रही है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, जमीनी स्तर के तमाम मुद्दे को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी ने अपनी बात को रख दिया और उनका यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी छवि को सुधारने के लिए बहुत मेहनत की है। ये कहा जा रहा है कि अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी से सीखना चाहिए कि कैसे राजनीति की जाती है, कैसे जनता के साथ जो है घुला मिला जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, पहले आप राहुल गांधी को सुनिए कि आखिर वह क्या कुछ कह रहे हैं। आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ और क्या हो रहा है, और आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आपको लगा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जब देश का एक प्रदेश जल रहा है तो देश का प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ तो कहेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि देश का प्रधानमंत्री हवाई जहाज में जाकर इम्फाल में, कम से कम इम्फाल में लोगों से बात करेंगे। पिछले कोई भी प्रधानमंत्री होते, कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो वहीं बैठ जाते, मगर आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, मणिपुर के बारे में बोल क्यों नहीं रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री, आरएसएस के प्रधानमंत्री, उनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं। वो जानते हैं कि उनकी विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है, मगर जो मणिपुर में दुख है, दर्द है, जो महिलाओं को चोट पहुंची है, उससे नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। मणिपुर को जला देंगे, बाकी देश को जला देंगे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको देश के दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और ये लड़ाई है, एक तरफ आप बैठे हो, आप कांग्रेस पार्टी के भविष्य हो, आपके दिल में देश प्रेम है, जब देश को चोट लगती है, कहीं भी हो, मणिपुर में हो, तमिलनाडु में हो, जम्मू कश्मीर में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो, जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिल बोलता हो, बंगाली बोलता हो, आपके दिल में चोट लगेगी एकदम। आप उदास हो गए, आपको पता भी नहीं लगेगा मूड क्यों खराब हो गया, मगर उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं। आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं है उनके दिल में, क्योंकि हिंदुस्तान को बांटने का काम यही करते हैं और सदियों से करे आ रहे हैं। तो ये आपकी लड़ाई है, देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा,
और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। पार्टियां बहुत हैं, विपक्ष में पार्टियां हैं, मगर विचारधारा की जो लड़ाई होगी वो बीजेपी और आरएसएस और कांग्रेस की विचारधारा के बीच में लड़ाई होगी। कांग्रेस की विचारधारा, कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा, देश को जोड़ने की विचारधारा, सबको एक साथ लेने की विचारधारा, जो हमारा अनइक्वल सोशल सिस्टम है, उसके खिलाफ लड़ने की विचारधारा कांग्रेस की। आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि चुने हुए लोग इस देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथों में हो, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उन्हीं लोगों के कंट्रोल में रहे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्मी हो, इलेक्शन कमीशन हो, स्कूल्स और कॉलेजेस हो। आरएसएस चाहती है कि ये सारे के सारे उन्हीं के कंट्रोल में रहे। हम चाहते हैं ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो हमारा देश है, ये सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है, और सब लोगों को इस देश में रक्षा मिलनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। ये लड़ाई है। तो सुना आपने राहुल गांधी को, राहुल गांधी को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों को रखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। एक तरफ राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई, उसके बावजूद भी राहुल गांधी लगातार राजनीति में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 8 साल तक राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, इसके बावजूद भी उनको ये पता है कि देश की लड़ाई में हमारी जो सहभागिता है वो जरूरी है। अब देखना ये पड़ेगा कि राहुल गांधी के इस बयान को सुनने के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल।